नमस्ते बच्चों, आज का क्लास है हम लोग का हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आपका परिचय कैसे दें आप, ठीक है। जैसे ही आप कहीं भी जाते हैं आपको पूछा जाता है कि आपके बारे में, कहीं अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मान लीजिए अभी आप इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं, अभी कोई नया क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका परिचय टीचर से अगर कराना हो तो कैसे कीजिएगा? टीचर अगर बोल दें आपके बारे में बताइए, कैसे बताइएगा? अब बोलिएगा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये कुछ कुछ ऐसे। अब कोई कोई है कि घबरा जाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होना है। आप लोगों को एकदम डरने की बात नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप अपना परिचय एक सिंपल तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर कोर्स, आई एम राजेंद्र महतो, ऑटोमोटिव ट्रेनर। तो देखिए, पहले सबसे पहले आता है अपने आप को परिचय देने के लिए कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे प्रस्तुत कीजिएगा दूसरों के सामने, सामने वाला क्या सुनना चाह रहे हैं, कैसे पता है आपका एटीट्यूड कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अच्छा शुरुआत होता है तो हम लोग जानते हैं कि मेरा आधा काम हो गया, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, आप लोग सुने ही होंगे ये बात। ये लास्ट इम्प्रेशन नहीं बोल के हम बोल सकते, फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड इम्प्रेशन, ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। तो अब अपना परिचय अगर अच्छे से दीजिएगा तो आपका आपको पहचानने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ आपके बारे में जितना कुछ बोलें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप अपना शुरुआत कीजिएगा परिचय आपका। जैसे सबसे पहले आता है ग्रीट। ग्रीट मतलब क्या है कि जैसे हम लोग अभिवादन करते हैं, जैसे नमस्कार करते हैं, ठीक है, कई कहीं किससे भी मिलते हैं सबसे पहले हम लोग नमस्ते बोलते हैं, अभिवादन करते हैं उनको, ठीक है। तो उसी तरह का ये दो टाइप का है आपका, एक होता है फॉर्मल जो कि औपचारिक हो गया, एक होता है इनफॉर्मल जो एक अनौपचारिक रूप से। जैसे हम लोग देखें कि फॉर्मल तरीका क्या होगा, औपचारिक तरीका कि हम लोग मिलते हैं या अपना परिचय देते हैं तो जिस टाइम दे रहे हैं, ठीक है, वो उसको ध्यान में रखते हुए। जैसे हम लोग अगर 12 बजे से पहले अगर हम अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, जैसे भी हैं। फिर अगर 12 बजे के बाद शाम के 4 बजे तक अगर हम किसी से मिल रहे हैं या अपना परिचय दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, इस तरीके से बोलेंगे। अगर शाम के 4 बजे के बाद अगर हम सोने से पहले तक अगर हम अपना परिचय देते हैं तो बच्चों जैसे ये देखें हम लोग कि ग्रेड या अभिवादन करना, ठीक है, तो उसी तरह के जैसे अनौपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये हम लोग बोलचाल भाषा में जैसे बोलते हैं हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, ये सब हो गया इनफॉर्मल तरीका, ठीक है। तो वैसे आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है इस ढंग से, गुड मॉर्निंग, एक गुड आफ्टरनून, एक गुड इवनिंग, ऐसे करके बोलना है,
फिर आपके उसके बाद आपको अपना नाम बताना है, ठीक है? आपका नाम कैसे बताइएगा? जैसे आप देख रहे हैं कि आप बोल सकते हैं दिस इज, या आई एम, दिस इज अनूप, या आई एम राहुल, या बोल सकते हैं माई नेम इज राहुल, ठीक है? जैसे मेरा यहाँ बता रहा हूँ माई नेम इज राजेंद्र महतो, ठीक है? तो मेरा नाम राजेंद्र महतो है। तो ये एक नाम बताने का एक तरीका हुआ, ठीक है? जैसे आप अपना नाम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ नहीं बोलते हैं, ये ग्रामेटिकली गलत है। तो कहीं भी अगर अपना नाम बता रहे हैं तो माई सेल्फ नहीं बोलना है, ठीक है? ये सबसे अच्छा तरीका है माई नेम इज़, ठीक है? तो उसी तरीके से आप बोलिएगा माई नेम इज़ राहुल, माई नेम इज़ सीता, माई नेम इज़ रुपेश, जो आपका नाम है उस तरीके से आप बोलिएगा। फिर अपना जगह का नाम बताइएगा जहाँ से आप हैं। जैसे आप बोले कि आई बिलोंग टू बोकारो, ठीक है? आई एम फ्रॉम बोकारो, जैसे कि मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम बोकारो झारखंड, ठीक है? वैसे ही आप अगर इसी जगह में हैं, बोकारो के ही हैं, बोकारो में ही आपका परिचय दे रहे हैं, अगर इंटरव्यू चल रहा है आपका, आप अगर बोकारो में इंटरव्यू है वहीं पर अपना परिचय दे रहे हैं, तो आप ऐसे बोलिएगा आई एम फ्रॉम बोकारो झारखंड इटसेल्फ, मतलब मैं यहीं का हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं का हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, ठीक है? अदरवाइज कहीं बाहर हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बोकारो, आई एम फ्रॉम रांची, इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर आपका फैमिली के बारे में बताइए, ठीक है? आपका फैमिली में कौन कौन है, आपके परिवार में कौन कौन है, तो उसको बताने का तरीका होगा इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव, आपके पास जो भाई बहन है उनका परिचय दे सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आप बोल रहे हैं इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, ठीक है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, तो मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है? अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आई हैव टू यंगर ब्रदर्स, ठीक है? तो वैसे ही आप अपना फैमिली के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? तो जैसे दो सिस्टर है तो आई हैव टू एल्डर सिस्टर, अगर बड़ी बहन है आपके तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है? तो उसी तरह के आप अपना फैमिली के बारे में परिचय दीजिए, ठीक है? कि मेरे परिवार में माता पिता के अलावा मेरा एक बड़ा भाई और छोटी बहन है, ठीक है? जैसे इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव टू यंगर ब्रदर्स एंड टू एल्डर सिस्टर्स, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है? फिर आप बताइएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका योग्यता क्या है। जैसे आप अगर अभी क्लास 9 में गए हैं या 10 में गए हैं या नया क्लास 11 में गए हैं, ठीक है, जो भी क्लास में आप गए हैं, तो उस जगह पर आप बोलिएगा आई एम इन क्लास 9, आई एम इन क्लास 10, ठीक है? यहाँ पर जैसे कि मैंने दो चीज़ बताया आई एम इन क्लास 9, लेकिन ये चीज़ आपका आई एम इन क्लास 9th नहीं होगा यहाँ पर, इसके लिए आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, ऐसे करके हम यहाँ बोल सकते हैं,
ठीक है, जैसे आई एम इन क्लास 9th ऐसे नहीं बोलते हैं वहाँ पर, आई एम इन क्लास 9 या आई एम इन 9th क्लास या 9th स्टैंडर्ड, ठीक है 11th स्टैंडर्ड, 11th, आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, या बोल सकते हैं आई एम ऑटोमोटिव टेक्नीशियन। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस कोर्स को कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि परसुइंग, आप उस काम को कर रहे हैं, मैं ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हूँ। लेकिन ये आप अभी कोर्स अगर कर रहे हैं तो बोलते परसुइंग, ठीक है। फिर आता है आपका कोई एडिशनल अगर क्वालिफिकेशन, आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई अलग कोर्स है, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हैं इस जगह एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपका स्किल कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया हुआ है काम, तो ठीक है, कोई किसी चीज़ में स्किल कौशल हैं आप, तो उसके बारे में बता सकते हैं। ये जैसे आई हैव डन 6 मंथ या आई हैव डन 2 ईयर्स ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन फ्रॉम जिस जगह से आप किए हैं इन दिस ईयर, मतलब 30 साल आप किए हैं, वो बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने 6 महीने का या 2 साल, 3 साल या 4 साल किया का साल किया एक मोटर वाहन सेवा टेक्नीशियन में इस जगह से इस वर्ष में किया हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आई एम ए फ्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव 1, 2, 3, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस होगा, तो इतना साल का एक्सपीरियंस कहाँ से किए हैं आप, वो जगह का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। वो काम का नाम बता सकते हैं, कंपनी का नाम बता सकते हैं, एज एंड पोजिशन, क्या पोजिशन था उस कंपनी में आपका, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हॉबी, ठीक है, क्या शौक आपका है, ठीक है, क्या चीज़ आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, वो आप बता सकते हैं। तो माई हॉबी इज़ कुकिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक या रीडिंग बुक्स या प्लेइंग क्रिकेट या वॉचिंग मूवी, जो आपका है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मेरा शौक खाना बनाना है, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, क्रिकेट खेलना, ऐसे अलग अलग जिसका जो हॉबीज़ है वो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, जिनके दो हॉबीज़ हो सकते हैं वो बता सकते हैं इस तरीके से। एक चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि माई हॉबी इज़, इस जगह पर आप आई लव का यूज़ कर सकते हैं, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, ऐसे करके बोल सकते हैं आप, ठीक है। और लास्ट में आप ऐसे बोलिए कि आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको धन्यवाद देना, ठीक है। जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको कैसे लास्ट में बोलिएगा कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये सब मेरे बारे में है, धन्यवाद सर, ठीक है, नाइस टू मीट यू सर, आपसे मिल के अच्छा लगा, ऐसे करके आप अपना परिचय समाप्त कर सकते हैं। सो अब आई होप सब समझ गए होंगे कैसे अपना परिचय देना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से रखिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यही थी, समाप्त करते हैं, धन्यवाद।